हेलो, मैं प्रीति इजी टू कुक से। आज मैं आपको शादी वगैरह में बनने वाली ये पकवान यानी छाक या फिर उन्हें मट्ठा कुछ भी कह सकते हैं वो बनाना बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आमतौर पर ये बाज़ार में नहीं मिलते हैं। इन्हें हम आसानी से घर पर बना सकते हैं। साथ ही आपको समोसे बनाना बताऊंगी जो घर के बने समोसे हैं, और एक ही डो से हम इसको अच्छे से आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको छाक बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने 1 किलो मैदा ली है। 1 किलो मैदा में हमने 1 चम्मच नमक डाला है, और उसके बाद इसको अच्छे से नमक को हम इसमें मिक्स कर देंगे। साथ ही अब इसमें हमने 200 ग्राम डालडा घी लिया है। डालडा घी से जो हमारी मटरी है या छाक है या आप कुछ भी चीज़ बनाते हैं वो बहुत ही उसमें सॉफ्टनेस और खस्तापन आ जाता है। साथ ही हमने 50 ग्राम जो है वो रिफाइंड ऑयल लिया है, यानी 250 ग्राम। 1 किलो में 250 ग्राम हमने ऑयल कम ऑयल डाला है। आप 300 ग्राम तक इसमें ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा खस्ता खाते हैं तो। अब अच्छे से जो हमारा मोइन है उसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, जब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है उसको इस तरह से चेक कर लेते हैं। थरकस के लड्डू सा बनना चाहिए। मैंने 250 ग्राम डाला, आप 300 ग्राम तक इसमें डाल सकते हैं ज़्यादा खस्ता बनाने के लिए। देखिए, अब डो हमारा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने तैयार कर लिया है। इसको हम करीब 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब मैंने 1 किलो में से थोड़ा आधा जो है वो उसको मैंने अलग कर लिया है। उसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है। यानी आप एक ही बार जो इस तरह का जो डो आप तैयार करेंगे इस तरीके से, उससे आप कई चीज़ें बना सकते हैं, मट्टी बना सकते हैं। अब मैं छाक बनाना बता रही हूँ। ये जो हमने अजवाइन डाली थी उस वाले डो से हम इसकी थोड़ी मोटी मोटी इसकी लोई बनाएंगे, आप देख सकते हैं। और इसको इस साइज़ का हम बेल देंगे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं बेलना है, थोड़ा इसको मोटा ही रखना है। अब देखिए, इसकी किनारियों को मैंने जिस तरीके से हम गुजिया जो है वो फोल्ड करते हैं उसी तरीके से हाथ से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको अच्छे से जो भी आप डिज़ाइन वैसे बना सकते हैं वो बना सकते हैं। इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। आमतौर पर ये मार्केट में नहीं मिलती हैं, बहुत ही कम शहरों में ये मिलती हैं रेडीमेड। टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। अचार के साथ, चटनी के साथ खाइए। पीछे से भी इसमें हमने इसको थोड़ा सा इसका डिज़ाइन बना दिया है। अब इसमें थोड़े से हम छेद कर देंगे। तो देखिए, बिल्कुल हमारी ये छाक जो है वो बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम जो है बाकी जो हमें जितनी भी आपको बनानी है छाक ने आप तैयार कर लें, और इसी तरीके से इसको साइड से मोड़ते जाएं तो बड़ी सुंदर सी शेप आती है। उनका टेस्ट बिल्कुल मटरी से अलग है। डो जबकि एक ही है, इसी डो से आप मटरी भी बना सकते हैं, शक्ल पारे भी तैयार कर सकते हैं, पर इनका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। देखिए, इस तरीके से हम इनको सब तैयार कर लेंगे, इनमें छेद कर देंगे। अब 1 किलो मैदे से आप 2-3 तरह की चीज़ तैयार कर सकते हैं। देखिए, सारे छाक मैंने इस तरीके से तैयार करके रख लिए हैं। अब हम ऑयल को गर्म करेंगे और उसमें जो है वो एक एक करके छाक को डालेंगे। इनको सेकते समय बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हमको बहुत तेज़ गैस पर नहीं सेकनी है। इसको हमें शुरू में तेज़ गैस और उसके बाद एकदम सिम गैस पर सेकना है। इसमें सेकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लगता है, तभी वो अंदर से एकदम अच्छे से खस्ता होंगी और सिकेंगी, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो इसको हम इसमें सेकने में जल्दी नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। इसको धीरे धीरे से इसको पलटेंगे और बहुत ही हमको इसको स्लो गैस पर इसको सेकना है। इसी तरीके से हम ये मीट इनको फीका भी बना सकते हैं, और फीका बनाने के बाद इनको हम इनको चाशनी में पाक सकते हैं ताकि वो मीठी हमारे छाक बन जाएं। अब देखिए, इसी तरीके से धीरे धीरे हमारे सिकने वाले हैं। कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है। इनको हम अभी सिकने वाले हैं, इनको अब हम बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया लगेंगे अचार के साथ, तरह तरह के अचार के साथ खाइए। इसी तरीके से हम समोसे बनाएंगे जो मैं आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं।